नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पकवानों की जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं होली स्पेशल ऐसी रेसिपी लेके आई जो सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चे क्या, बड़े क्या, पड़ोसी क्या, रिश्तेदार क्या, सभी जिसको भी आप खिलाएंगे सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि आज मैं चीज़ में बनाऊँगी और चीज़ तो सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम ये 1.5 कप सबसे पहले मैदा लेंगे एक बड़े बर्तन में। मसालेदार चीज़ मठरी बनाऊंगी। 1.5 कप देखिए मैंने मैदा ले लिया, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच मंगरेल डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसमें चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। आग पर जो भी चीज़ें, मजेदार चीज़ नहीं डालना है बस, और जो भी स्लाइस वाली हो, क्यूब वाली हो, जो भी चीज़ हो वो आप डालिए। तो ये 2 क्यूब वाली चीज़ हम डाल रहे हैं, ग्रेट कर लेंगे इसको एकदम महीन वाले से। अगर जो भी ग्रेटर हो उससे करिए, एकदम महीन वाले से करना है। बस मोटे पीस नहीं आने चाहिए, एकदम महीन आने चाहिए जो मैदे में एकदम मिक्स हो जाए। अब हाथ से करने में क्या, कहीं कहीं मोटे टुकड़े रह जाएंगे, तो हम इसको एकदम ग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा एकदम महीन वाले से करें तो मिक्स हो जाएगा। स्लिप हो रहा है तो अगर रखने वाले कद्दूकस से करेंगे, जो स्टैंड वाला रख जाता है उससे आसानी से, मैं इससे कर रही हूँ हैंड वाले से। आप जिससे भी आपको आसान हो उससे करिए। आप अलग से प्लेट में भी करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने 3 क्यूब करे हैं, मैं एक दिखाने पर 3 क्यूब मैंने चीज़ डाली है। 2 बड़े चम्मच भर के हम देसी घी डालेंगे। इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, देसी घी से बनाएंगे तभी बहुत अच्छी सॉफ्ट और क्रिस्पी मठरी मसालेदार तैयार होगी। तो 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाल लिया, इसको मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। एकदम चिकना सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ डाला है इसलिए मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है। चीज़ डालने में बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से सॉफ्ट और अच्छा सा डो बन जाएगा। इसको मसलते हुए खूब अच्छे से मसलेंगे और डो तैयार कर, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छी सभी को पसंद आती, बहुत अच्छी टेस्टी मठरी बनके तैयार होगी। ये मैंने डो तैयार कर लिया है, 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद मैंने देखे हटा लिया है इसको। हम चिकना सा गोल पहले बॉल बनाएंगे, इसको हम बेल लेंगे। ये फट रहा है तो इसको थोड़ा कट करके निकाल देंगे। अब इसको बेल लेंगे अच्छे से, चिकना सा हम बेल लेंगे। बहुत पतली नहीं बनाएंगे, थोड़ा मोटा इसके लेयर रखेंगे, क्योंकि मठरी काट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमको बनाना। रोटी की जैसे ही बनाना, उसे थोड़ा सा थिक, मतलब समझ लीजिए 2 रोटी एक के ऊपर एक रख दी, उतना हमको थिक बनाना है बस। बार बार उठाएंगे तो क्योंकि डो टूटने लगेगा, तो हम इसको बेलन को ही घुमा घुमा के हम इसको गोल बेल लेंगे। अब गोल स्क्वायर शेप जैसे भी आपको बेल रहा वैसे बेलना, क्योंकि इसमें मटेरियल शेप स्क्वायर काटेंगे तो हम जैसे आपको बेल रहा वैसे काट लें। स्क्वायर शेप में बनेगा तो ज़्यादा अच्छा है, हम स्क्वायर शेप ही देने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हम किनारे से काट के एकदम स्क्वायर शेप देंगे, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकालते जाएंगे। पहले साइड से सारा काट लेंगे। अब इसको बड़े बड़ी उसमें
शेप में काटेंगे, बहुत पतली पतली, हमको ऐसी मटरी नहीं बनानी जैसे हमेशा मैदे की बनती है। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे स्क्वायर शेप में। साइड वाले क्योंकि अच्छे से स्क्वायर शेप में नहीं आया तो साइड वाले सब निकाल देंगे। इसे फोक से पहले हम डिज़ाइन बना रही है, इसलिए हम फोक से छेद कर रहे हैं कि ये जब हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं, इसलिए हम फोक से इसमें डिज़ाइन बनाते जाएंगे। पहले एकदम बीच में दो बार करेंगे, एक ऊपर करेंगे एक इधर करेंगे, आपको जैसा पसंद है। मैं इस तरह में बना रही, आप काली फोक तो बीच में कहीं भी गोल मार के छेद कर सकती हैं, टूथपिक से कर सकती हैं, गोल शेप में कर सकती हैं, चकोर लाइन से कर सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा इसमें डिज़ाइन। बस हमको ये है कि ये पर्पज़ ये है कि फूले नहीं, मटिया फूलेंगी तो अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह मैंने दूसरा बेल लिया, दूसरे बेल को भी हम साइड का काट के निकाल दे रहे हैं, एकदम स्क्वायर शेप अच्छे से देंगे। जितने किनारे की साइड है वो एकदम चिकनी और एक बराबर सी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कट करके निकाल देंगे। कितनी स्मूथली कट रही है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होती है, एकदम मसालेदार मटर बहुत है। आप इसको काफ़ी दिनों तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। सब में फोक से फिर से डिज़ाइन हम बना लेंगे, आप कैसे भी छेदे मैं इस तरह कर रही हूँ कि देखने में भी अच्छी लगे। जब इसको तल के निकालेंगे किसी के सामने रखेंगे तो ये नहीं कि कहीं भी छेद हैं, इस तरह अच्छी डिज़ाइन आएगी, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप वैसा छेद कर लीजिए। बहुत जल्दी हो जाता है फोक से, जल्दी हो जाता है। आप क्या टूथपिक से करेंगी, एक एक बार आपको करना पड़ेगा। देखिए सब बन के तैयार हो गई है, एकदम आसानी से, बस चाकू से निकालिएगा, चाकू एक बार नीचे से करके, क्योंकि ऐसे उठाएंगे तो शेप खराब हो जाएगा, उंगली से दब जाती है कहीं ऐसे। आप नाइफ से बस एक बार नीचे से करेंगे, एकदम ईजिली निकल जाएंगी। इस तरह मैंने सब देखी, इतनी सारी मेरी बन के तैयार हुई। मैं तीन चार बार मैंने बेल के उतने से मैदे में, सब बन गई है। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा के ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा पहले गर्म नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालिएगा, जब एकदम हल्का सा गर्म हो तभी डाल दीजिएगा। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, लो मीडियम। देखिए फूल फूल के जितनी मटियाँ होती जाएंगी वो फूल के ऊपर आती जाएंगी, इसलिए एकदम हल्की गर्म तेल में ही मटियों को डालिएगा तलने के लिए। देखिए जो भी होती जा रही है वो ऊपर तैर के आ रही है, सब फूल के ऊपर आ जाएंगी, ऑयल में ऊपर ऊपर होने लगेंगे। तो सभी मटरियों को हम पलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए बस बहुत ज़्यादा हमको लाल इसको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है।
ये मटर बहुत ज़्यादा ऑयल भी सोखती नहीं है अपने में, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं। आप निकालेंगे देखिए सूखी सूखी निकली, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल निकल रहा है। और मटर निकाली तो साथ में ऑयल आता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल हो जाएगा। और एक एक पीस उठा के ही डालिएगा, यानी कि एक साथ हाथों से डालें। जब भी कोई एक हाथ साथ डाली तो वो शेप उसका ख़राब हो जाता है, तो एक एक पीस उठा के डालेंगे तो अच्छे से शेप हो जाए। मैंने इसको भी फ्राई कर लिया, देखिए एक भी प्लेट में ऑयल नहीं लग रहा है। चीज़ डालने के कारण हुआ, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। तो मैंने सारा इसी तरह अपने जितने भी बनाई थी सबको फ्राई कर लिया है। तो इस बार होली में आप यही बनाइएगा, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है खाने में। तो बहुत ही टेस्टी, एकदम मसालेदार चीज़ी मटरी बन के तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस बार होली में यही बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और देखिएगा सबसे पहले आपकी यही रेसिपी सबसे ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो पसंद आ रही तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।